आज हमारे पास गाड़ी आई है महिंद्रा की ब्लोरो, जो कि इसमें प्रॉब्लम है कि ये चेक इंजन लाइट और डीपीएफ की लाइट ब्लिंक कर रही है और गाड़ी 40 के ऊपर नहीं भाग रही है। तो आज हम अपने थिंग डैग टूल से इसका डीपीएफ रिजनरेशन करने वाले हैं, जो कि इसमें रिजनरेशन की लाइट आ रही है। BS6 गाड़ी है, तो हम रीड करके आपको फॉल्ट कोड दिखा देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें DPF शूट मास वेरी हाई का कोड आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम ये सब कोड को पहले क्लियर कर लेंगे। तो इग्निशन को हमें बंद करना है, उसके बाद हम क्लियर कर लेंगे गाड़ी को बंद करके। तो हमारा कोड क्लियर हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये DPF रिजनरेशन हमें करना है। तो ये हमारा DPF रिजनरेशन का प्रोसेस चल रहा है, जो कि इंजन ऑन टाइम दिखा रहा है 30 सेकंड। कम से कम 30 सेकंड के बाद ये रिजनरेशन का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें 25 सेकंड हो गया है, 26 सेकंड। तो 30 सेकंड बाद इसमें आगे प्रोसेस इसका आगे चलेगा। तो 30 सेकंड होते ही हमारा प्रोसेस आगे हो गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका DPF सूट मास जो है 34 ग्राम है, तो हमारा DPF रिजनरेशन हो जाएगा। तो हमारा DPF रिजनरेशन स्टार्ट हो गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। गाड़ी हमारी DPF रिजनरेशन मोड में चली गई है, जो कि इसका RPM 2000 से 2500 के बीच में RPM इसका चला गया है। और ये तकरीबन प्रोसेस चलेगा ऐसे, मान तकरीबन 20 से 25 मिनट चलेगा ये प्रोसेस। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो DPF का प्रोसेस इसका जो है 25 मिनट पूरा हो गया है। तो हम आपको दिखाते हैं, DPF रिजनरेशन अभी हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 25 मिनट मिनिमम इसका हो गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें रिजनरेशन सक्सेसफुली हमारा दिखा दिया। तो हमारा रिजनरेशन का प्रोसेस पूरा ओके हो गया है। तो अब गाड़ी को हम बंद करके उसके बाद बैक जाके फॉल्ट कोड को क्लियर करके देखते हैं क्या हमारी जो रिजनरेशन की लाइट आ रही थी वो चली गई या फिर नहीं, और गाड़ी हमारी प्रॉपर ठीक हुई या फिर नहीं। बैक एक जो गाड़ी भाग नहीं रही थी 40 के ऊपर, जो गाड़ी नहीं चल पा रही थी, तो वो सही हुआ कि नहीं। तो हम फॉल्ट कोड को सारे क्लियर करेंगे गाड़ी को बंद करके, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं क्या इसमें अभी कोई फॉल्ट कोड आ रहा है या फिर नहीं, और जो DPF की लाइट ब्लिंक कर रही थी वो सही हुआ या फिर नहीं। तो हम कोड को सारे पहले क्लियर कर लूँगा, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें अभी भी DPF सूट मास का कोड हाई आ रहा है, पर एक कोड हील्ड में भी चला गया। तो हम इसे पहले क्लियर कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा फॉल्ट कोड क्लियर हो गया है, इसमें नो फॉल्ट कोड। गाड़ी को हम स्टार्ट करके भी रीड कर लेते हैं। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई, और इसमें जो DPF की लाइट आ रही थी और चेक इंजन लाइट वो भी चली गई, और जो कोड आ रहा था वो भी चला गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। कोई कोड इसमें नहीं आ रहा है। तो हम आपको मीटर में दिखाते हैं कि इसकी DPF की लाइट चली गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी हमारी स्टार्ट है, जो कि इसमें DPF की लाइट और चेक इंजन लाइट नहीं आ रही है, और RPM इसका बराबर काम कर रहा है। जो प्रॉब्लम थी DPF की वो सॉल्व हो गई है। DPF का प्रॉब्लम हमारे थिंग डैग टूल से आसानी से काम हो जाता है।